काम करने से पहले ही ये इरादा बनाया था कि यार शरीयत के मुताबिक काम करना है। हम हमारी अपनी तरफ से ये कोशिश होगी शरीयत के खिलाफ कोई भी चीज़ ना करें। अच्छा, अब इसमें जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो यही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं कि जानवर के नुक्स को छुपाने के लिए हम कोई भी दूसरा तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे जो शरीयत मना कर रही है, जैसे सींगों का हो गया, दूसरी कोई भी चीज़। और जानवर को अजियत नहीं देनी है। सही, उसको संवारने के चक्कर में हम सिंह तो उड़ा देते हैं, लेकिन जानवर दो डेढ़ से दो महीने जिस अजियत से गुजरता है वो फिर बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हम भी मोहब्बत ही करते हैं भाई जानवरों से। और ये हमने गेट खोला, ये फार्म का अगर मैं ओवरव्यू दूँ तो ये इनका पूरा सिस्टम है, ये ब्रीड का इनका सिस्टम है। यहाँ पे एक पाटा है, यहाँ इनकी पूरी कलेक्शन है, सामने इनका बिलबोर्ड लगा हुआ है पूरा, और ये हमारे साथ मौजूद है माशाल्लाह से इनके ऑनर। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। भाई क्या सीन है, क्यों बुलाया है, जरा लोगों को बताएं। सीन ये है कि शौक को आम करना है भाई। अच्छा, लोगों के पास पैसे नहीं, आज महंगाई इतनी हो गई है, लोग जानवर कुर्बानी पिछले साल आपने सबने देखा हुआ है 100% जो कुर्बानी करते हैं 55% पे आ गए। सही, शौक को आम करना है, भले ही शौक करना हो आ जाए, चाय पी के जाएं, रिफ्रेशमेंट करके जाएं, लेकिन आए लाजमी। अच्छा, लोकेशन बताएं जरा। लोकेशन मेन साकरण रोड है, हब चौकी पे, तकरीबन सेंट्रल से 30 किलोमीटर दूर है कराची से बस। एक आपने मुझे बीच में ऑफ द कैमरा बात बोली थी कि जानवर ऑर्गेनिक फीड में और सिंग के हवाले से, सिंग की कटाई नहीं होगी, तो उसके हवाले से आप क्या क्या पॉइंट है आपका, वो आप कैरी कर दें यहाँ पर। अच्छा अदील भाई, इसमें ऐसा है कि शौक तो हम लोग कर रहे थे पिछले 5-6 सालों से, लेकिन सही पिछले 1.5 सालों से, पिछला सीज़न भी और ये दूसरा सीज़न हमारा, तो लोगों के लिए भी शौक आम गड्ढे के लिए हमने सोचा और इस पर काम शुरू किया। सही। अच्छा, इसमें ऐसा है कि अदील भाई, काम करने से पहले ही ये इरादा बनाया था कि यार शरीयत के मुताबिक काम करना है। सही। हम हमारी अपनी तरफ से ये कोशिश होगी शरीयत के खिलाफ कोई भी चीज़ ना करें। सही। अच्छा, अब इसमें जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं वो यही चीज़ें फॉलो कर रहे हैं कि भाई ऑर्गेनिक, प्योर ऑर्गेनिक फीड होनी चाहिए, और जाहिर सी बात है अभी फीड इतनी महंगी चल रही है, लेकिन उसको ही फॉलो कर रहे हैं ऑर्गेनिक। और दूसरा ये कि जानवर के नुक्स को छुपाने के लिए हम कोई भी दूसरा तरीका इस्तेमाल नहीं कर रहे जो शरीयत मना कर रही है, जैसे सींगों का हो गया, दूसरी कोई भी चीज़। तो बस इस हवाले से अब ये दूसरा सीजन है हम लोगों का, और जानवर को अजियत नहीं देनी है। सही, उसको संवारने के चक्कर में हम सिंह तो उड़ा देते हैं, लेकिन जानवर दो डेढ़ से दो महीने जिस अजियत से गुजरता है वो फिर बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि हम भी मोहब्बत ही करते हैं भाई जानवरों से। सही सही। और अच्छा, एक चीज़ आप लोगों ने दोनों से पूछनी थी, 1,30,000 रुपये से स्टार्टिंग है जी, इसमें क्या बचत है आप लोगों की? सर कुछ नहीं, बस शौक को आम करना है सर, शौक को आम करना है और रसाई करनी है। जो शौक करते हैं वो आजकल पीठ पीछे हो पीछे हो जा रहे हैं, उनको आगे करना है, कुर्बानी आसान करनी है। बहुत अच्छा भाई आप लोग का मोटिव। हाँ बोले। इसमें आप लोग अपनी प्लाई के लिए जानवर भी डलवा सकते हैं, और रेट इंशाल्लाह ताला, और अदील भाई आपके तवस्सुस से अगर कोई आता भी है तो रेट बहुत ही मुनासिब मिलेगा उसको। नहीं नहीं, इंशाल्लाह लोग आपके पास आएंगे तो उनको पलाई के एक रेट बता दें, 25,000 रुपए से आपकी पलाई है जी, इसमें क्या क्या आप दे रहे हैं ये आप मुझे बता सकते हैं? 25,000 रुपए में ऑर्गेनिक फीड है, सही है, टोटली डॉक्टर का विजिट है, सही है, हर मंथली 15 दिनों में विजिट होता है, सही है। और फीड में क्या क्या चला रहे हैं? फीड में अट्टी दलिया है, मकई का आटा है, और एक दो चीज़ें जो हमारी अंदर की वो हम बता नहीं सकते। सही, हाँ वो तो फॉर्मूलेज हो रहे हैं।